वैसे तो अलवर में रबड़ी बहुत सी दुकानों पर मिलती है, लेकिन शहर के बाजार स्थित एक दुकान की लच्छेदार रबड़ी शहरवासियों की जुबान पर चढ़ गई है। बजाजा बाजार स्थित यह दुकान करीब 15 साल पुरानी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ शहर के प्रसिद्ध त्रिपोलिया मंदिर में आने वाले लोगों की रहती है। दुकानदार के अनुसार यहाँ आने वाले लोग मटका कुल्फी, फालूदा व लच्छेदार रबड़ी की डिमांड ज्यादा करते हैं। भैया हमारे यहाँ पे बजाज बाजार में दुकान है और 14-15 साल करीब दुकान को हो गए। हमारी स्पेशल रबड़ी फलूदा है, मटका कुल्फी है और दूध की बोतल है। ये क्या है, तई में रबड़ी बनती है। 5 किलो घान लेते हैं दूध का, बड़े वाला दूध लेते हैं, उसको फिर मलाई को उसको इधर उधर से हटाना पड़ता है। गाढ़ा करने के बाद उसमें कुछ चीनी इलायची पाउडर डालना पड़ता है, उसके बाद में उसको उतार दिया जाता है। ड्राई फ्रूट डालते हैं उसके, उसको दूध मावा खींचना पड़ता है। मावा खींचने के बाद में फिर उसको रबड़ी बनाई जाती है उसकी। फिर उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, इलायची पाउडर डालते हैं, उसके बाद में फिर डिब्बे में भर के फिर उसमें बर्फ सेट करके फिर उसको हिलाते हैं, उसके बाद में तैयार होती है। भैया मिलते हैं हमारे यहाँ पर विशेष कारीगर, वो हमारे खुद ही बनाते हैं हम तो रबड़ी। और ये जो मटका कुल्फी है स्पेशल तरीके से हम बनाई जाती है, इसमें मावा ज़्यादा डाला जाता है, वो बढ़िया क्वालिटी का दूध लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो मंदिर में भोले बाबा के आते हैं दर्शन करने, तो उन वे रहते हैं यहाँ पे और वो देखते हैं तो उनको क्वालिटी अच्छी लगती है, तो वह इसका रेस्पॉन्स ज़्यादा होता है।